वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में मैं आपके लिए ले आया हूँ एक और न्यू वायरल वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले इधर एक डेमो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। कि यूं तो मुड़ के देखने की आदत नहीं मुझको, मुड़ के देख। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखी है, तो आपने ये देखा है कि ये किस तरह की वीडियो है जो कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा वायरल जा रही है। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये इसका फुल ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देख लेनी है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करते हैं, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसे रिलेटेड वीडियो आप तक आसान से पहुंचे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए आपने सबसे पहले अपनी वीडियो को HD में कन्वर्ट करना होगा। तो इस वीडियो को HD में कन्वर्ट करने के लिए आपने प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम ब्लिंक एप्लीकेशन है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो ये आपने उधर से डाउनलोड कर लेना है। इसे डाउनलोड करने के बाद आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इधर अपना नेट जो है ना, इसे आपने ऑन कर लेना है। तो इधर आपका ऑप्शन दिखाई देगा इमेज क्वालिटी का, इसे आप अपनी वीडियो भी HD में कर सकते हैं और इमेज भी आप इसे HD में कर सकते हैं। इधर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ट्राई नाउ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपनी एक वीडियो दे देनी है जिसे आप HD में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वीडियो लेने के बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा रिपेयरिंग का, जिससे आप ये वीडियो ना HD में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो HD में कन्वर्ट की हुई है, तो मैंने आपको हाजिर समझाने के लिए ये कुछ किया। तो आपने इसी तरह वीडियो को HD में कर लेना और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना और ऊपर आपको सेव का ऑप्शन दिखाई देगा, तो ये आपने कर लेना है। दोस्तों, वीडियो को HD करने के बाद आपने अपने मोबाइल में अलाइट मोशन एप्लीकेशन है ना, इसे आपने ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आप सबके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपने इधर प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है और अपनी मर्जी की रेशियो चूज करने के बाद आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इधर क्लिक करने के बाद आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है और मीडिया में आ जाने के बाद आपने एक वीडियो ले लेनी है जो आपने विंक एप्लीकेशन में HD की है। तो दोस्तों, ये है वो वीडियो जो मैंने विंक एप्लीकेशन में HD की थी। तो ये जाने के बाद आपने बैक आ जाना है। अपने प्रोजेक्ट में आ जाने के बाद आपको आपने ये XML जो है ना, इसे कॉपी कर लेना है। तो दोस्तों, ये XML आपको किधर मिलेगी ये आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। तो इसे आपने कॉपी कर लेना है और उसी प्रोजेक्ट में पूरा आ जाने के बाद आपने इधर इसे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ वीडियो ने ये इस तरह बन जाएगी। ये कुछ करने के बाद आपने ये जो फालतू लिरिक्स है ना, इसे आपने इधर से डिलीट कर लेना है। ये कुछ करने के बाद आपने ऊपर से इसे 720 में रखकर आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों, लाइट मोशन में वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद आपने अपने मोबाइल में इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट में आ जाने के बाद आपने वही वीडियो ले देनी है जो आपने लाइट मोशन में एक्सपोर्ट की है। तो ये मैं वीडियो ले आया हूँ जो मैंने लाइट मोशन में एक्सपोर्ट की थी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसके ऊपर लिरिक्स कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इधर PAP के ऊपर क्लिक करना है और आपने एक लेबल वाली PNG लेनी है। तो इस तरह की आप ब्लैक PNG लगाना चाहते हैं तो आपने ब्लैक रख देनी है, और अगर आप वाइट PNG लगाना चाहते हैं तो आप इधर आपने वाइट PNG लेनी है। आपकी मर्जी है, जो आप ब्लैक लगाना चाहते हैं या वाइट आपने लेना है। तो इसके बाद आपने ब्लेंड के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने स्क्रीन कर देना है। उसका जो ब्लैक वाइट बैकग्राउंड होता है ये चेंज हो जाएगा। तो इसे आपने अपनी मर्जी से कहीं सेलेक्ट कर लेना है और इसे आपने एंड तक ले जाना है और बाकी इसे आपने सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देना है। ये कुछ करने के बाद आपने इधर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपने इंस्टाग्राम ID वगैरह का नाम लिखना चाहते हैं तो वो आपने लिख देना है। तो दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम ID का नाम है। तो इसके बाद आप इसका कलर वगैरह और बॉर्डर वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने चेंज कर देना, और इधर आपको आप फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इधर से आपने फॉन्ट भी अपनी मर्जी का लगा देना है और इसे भी आपने इधर कुछ नीचे की तरफ ले जाना है। ये कुछ करने के बाद आपने इधर एंड तक इसे लेना है और बाकी सब सिलेक्ट करके आपने डिलीट कर देना है और दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने कॉपी के ऊपर क्लिक करना है और ये दो हो जाएंगे। इससे आपने ऊपर ले जाना है जिस पर हम इमोजी ऐड करेंगे, तो आपने दो तीन इमोजी इधर ऐड कर देने हैं। ये ऐड करने के बाद आपने ये फोन के ऊपर क्लिक करना है और इस पर एप्पल इमोजी वाला जो फोन है ना, आपने क्रोम से डाउनलोड कर देना है, आपको मिल जाएगा। तो इसे आपने लगा देना है जिससे ये एप्पल इमोजी वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया। इसके बाद आपने साथ साथ सुनते जाना और साथ ही आपने लिरिक्स लिखते जाना है। आपको एक लिरिक्स लिखकर बता देता हूँ। टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है
तो ये मैंने देख लिया। इसके बाद आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसका आपने ब्लैक रख देना है और बॉर्डर भी आपने तकरीबन 10 के करीब रख देना है। और इसका भी आपने जो फॉन्ट है ना इसका नाम है नोटो नस्तरी की, आपने लगा देना है। तो इसे भी आपने अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लेना है। और आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है और ये जो तीन लाइनें जाने इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आप इसका एनिमेशन लगाना चाहते हो आपने लगा देना है अपनी मर्जी का, इन और आउट का भी। तो इसके बाद ये कुछ इस तरह बन जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह आप दूसरी जेरिक्स भी लगा सकते हैं। तो अब ये बताऊंगा कि इसके ऊपर जो बॉर्डर में बैकग्राउंड में जो इफेक्ट यूज़ करते हैं वो कैसे लगता है, जो भी दोस्तों लगता है आपने फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। और इफेक्ट में आ जाने के बाद आपने इधर आगे चला जाना और इधर आपको ऑप्शन मिलेगा रिट्रो टू, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो चौथा फ्लैश वाला है इसे आपने वैल्यू फुल कर देनी है तो ये आपका इफेक्ट लग जाएगा बैकग्राउंड में। तो अब आपको आपने वीडियो में देखा होगा ये ऊपर प्ले वाला ऑप्शन दिखाई देगा, ये कैसे लगता है। आपने स्टिकर के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा स्टिकर के ऊपर आ जाना है और आपने GIF के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा इधर स्टिकर के ऊपर क्लिक करना है और आपने सर्च में लिखना है प्ले, ये लिखकर आपने सर्च कर देना है तो ये आपको उधर मिल जाएगा। ये आपने लगा देना है ऊपर अपनी मर्जी से, ऐसे भी आपने एंड तक ले जाना है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी, बाकी डायरेक्ट आपने इसी तरह अपनी मर्जी से लगा देनी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के खुदा हाफिज़।